दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फेस कैसे वाइट कर सकते हैं एंड लिप कलर टी सेट एंड सनग्लास। ओके सो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके सो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। सो दोस्तों देख सकते हो आपको ये वाली पिक्चर आपको शेयर कर लेती है लाइट रूम मोबाइल के अंदर। ओके तो दोस्तों हम आ चुके हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में आने बाद ऑल फोटोज पर सेलेक्ट करने बाद अपनी जो पिक्चर है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों सो गाइज हमने हमारी पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड इसको दोस्तों आपको हाईलाइट कंटेंट है कंटेंट को थोड़ा सा आपको हाई कर लीजिएगा इंक्रीज कर लीजिएगा। ओके दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपको हाईलाइट है हाईलाइट को थोड़ा सा आपको कम कर लेना है। ओके एंड शेडो को थोड़ा हाई कर लेना है। ओके एंड व्हाइट एंड ब्लैक दोनों नीचे आपको दिखने में आ रहे होंगे दोस्तों, इसको तो आप अपनी पिक्चर से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा दोस्तों अगर आपकी पिक्चर ब्लैक है या व्हाइट। ओके तो हम तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके सो इतना करने के बाद दोस्तों नीचे इफेक्ट वाला नीचे नजर आ रहा है कलर वाला, इस पर क्लिक करिएगा एंड इसकी सैचुरेशन है थोड़ी सी आप हाई कर लेना। ओके एंड या सब ऑपरेशन है इसको भी थोड़ा सा लो कर लेना, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। ओके कम से कम 2K हाई कर लेना 2K आसपास। ओके इतना कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से टेम्प लिखा हुआ है, टेम्प के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से टेम्प को भी थोड़ा हाई कर लीजिएगा 2% पर एंड ऊपर आपको दिखने में आ रहा होगा मिक्स कलर। ओके दोस्तों यहाँ से मिक्स पर क्लिक करना एंड 2 वाला पार्ट पर सेलेक्ट करना है दूसरे नंबर वाला। ओके उसका सैचुरेशन हुई है फुल लीजिएगा एंड सैचुरेशन है उसको कम कर लीजिएगा एंड लुमिनेशन को बढ़ा लीजिएगा ताकि अपनी पिक्चर वाइट आ सके। ओके आप देख सकते हो हमारी पिक्चर वाइट हो चुकी है। ओके एंड उसके बाद आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा अपनी पिक्चर ऐसे वाइट हो चुकी है जैसे आपको एडिटिंग अपने हिसाब से मतलब आपकी पिक्चर के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ओके यहाँ से सैचुरेशन को कम कर लीजिएगा लुमिनेशन को बढ़ा लीजिएगा एंड हुई को भी बढ़ा लीजिएगा एंड उसके बाद जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाले को दोस्तों इसमें आप देख सकते हो ये वाला प्रोसेसर हमें मिल रहा है। हम अगर सैचुरेशन हुई को बढ़ा लेते हैं तो ये वाला प्रोसेसर एंड लुमिनेशन सैचुरेशन ये वाला प्रोसेसर। उसके बाद चलते हैं ग्रीन पर। ग्रीन पर ये बैकग्राउंड के ऊपर है बट बैकग्राउंड वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है ब्लैक कलर में। ओके तो उसके बाद 6 नंबर वाले पर चलते हैं एंड उसमें हम टी शर्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। ओके यहाँ से टी शर्ट कलर आप देख सकते हो दोस्तों चेंज हो रहे हैं, साथ ही साथ सन ग्लास भी चेंज हो रहा है एंड हेयर पे भी पड़ रहा है। तो इस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हमारे हेयर के ऊपर एक्स्ट्रा ना हो जाए। ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ से सिंपली से डन कर लेना। डन करने के बाद दोस्तों शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट AS पर क्लिक कर लेना। ओके सो उसके बाद हमारी पिक्चर हम शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। ओके सो गाइज आप देख सकते हो हम आ चुके हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। ओके ऑटोडेस्क में आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको लाइब्रेरी वाला ऑप्शन मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ से लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ओके एंड यहाँ से चले आना है स्मोड वाले ब्रश पर। सो स्मोड वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना एंड फोलो को 4 स्टेन को 6 एंड साइज अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ओके यहाँ से इतने जूम कर लीजिएगा एंड साइज अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से अपना ब्रश चला लीजिएगा। ओके दोस्तों ख्याल रखिएगा कि आपकी जो धक्के दाने रह ना जाए। ओके थोड़ा सा स्लो स्लो आप कर लीजिएगा। ओके सो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि आप थोड़ा जल्दी में करोगे तो आपकी फोटो एडिटिंग बहुत ही बढ़िया एंड अच्छी तरह से नहीं होगी। ओके सो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ एंड तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे रहे एंड चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके सो गाइज आप देख सकते हो हमने फेस को बिल्कुल ही स्मूथ कर लिया है। ओके सो फेस को स्मूथ करने के बाद दोस्तों हम हमारी सनग्लास को कलर देने वाले, तो यहाँ से एक लेयर लेंगे। लेयर लेने के बाद यहाँ से नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लाइटिंग वाला ऑप्शन दिखने में आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ से लाइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड कलर है कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रीन लो रेड या येलो कलर कोई भी ले सकते हो बट हम यहाँ से ग्रीन कलर लेंगे। ओके सो मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद लाइब्रेरी में आने जाए एंड ब्रश लेना है, जो हम ब्रश फेस वाइट करने वाला लेते हैं वही आपको ब्रश ले लेना है। ओके एंड अपनी पिक्चर को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ से साइज अपना बढ़ा लीजिएगा एंड अपने सनग्लास के ऊपर कुछ इस तरह से चला लीजिएगा, सॉरी मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरह से अपने सनग्लास के ऊपर चला लेना है। ओके सो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, आप थोड़ा टाइम रखिए रख कर ही करना। ओके सो दोस्तों मैंने सनग्लास का कलर चेंज कर लिया है एंड उसके बाद यहाँ से लेयर ली थी हमने, उस लेयर पर क्लिक करना है एंड यहाँ से लाइटिंग देखा, लाइटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना। ओके
सो आप देख सकते हो कि जरा कूल लग रहा है ओके, यहाँ से एडजस्टमेंट हो चुका है। एंड उसके बाद फिर से लेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड HDR यहाँ से एडजस्टमेंट हुआ है HSL एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करने के बाद ये दोस्तों कलर कितने एडजस्टमेंट हो रहे हैं, बट हम तो ग्रीन कलर ही रखने वाले हैं ओके। सो मैं यहाँ से ग्रीन कलर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके दोस्तों। यहाँ से उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से हमने लेयर ली थी उस लेयर वाले पर ओपन क्लिक करने के बाद यहाँ से मर्ज कर लेना है एंड एक न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद दोस्तों इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सॉफ्ट लाइट कर लेना है ओके। सॉफ्ट लाइट करने के बाद यहाँ से रेड कलर आप लेना, हम लिप कलर रेड करने वाले, तो यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से लाइब्रेरी में आने के बाद दोस्तों येलो ब्रशअप को सिलेक्ट करना है एंड अपनी पिक्चर को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपनी पिक्चर के अपने लिप पे उसके ऊपर कुछ इस तरह से चला लीजिएगा ओके दोस्तों। आप देख सकते हो आपकी पिक्चर है रेड कलर में कनेक्ट हो चुकी है, ताकि जो लिप कलर है वो रेड कलर में कनेक्ट हो चुका है। तो इसकी ओपेसिटी कम से कम 75 के आसपास ही रखने वाले ओके। सो इतना करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो आपकी पिक्चर कुछ इस तरह से बनकर हो गई है तैयार ओके। इस लेयर को हम कर रहे थे मर्ज। मर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ से इस कोने पे ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे दोस्तों, इस 3 ऑप्शन पर क्लिक एंड शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस। सेव डिवाइस करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ से सेव क्लिक कर लेना ओके। सो उसके बाद चलते हैं दोस्तों स्नैपसीड में ओके। सो दोस्तों हम आ चुके हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में। स्नैपसीड में आने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना एंड यहाँ से नीचे आपको देख सकते हो हमने स्मूथ तो कर लिया था, बट नीचे आपको कलर रह गया था वहाँ पर ब्लैक दिखने वाला, तो ओपेसिटी हम इसकी फुल ब्राइटनेस फुल कर लेंगे ओके एंड ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे ओके दोस्तों। इतना कर लेना और अपने फेस के ऊपर भी चलाकर यहाँ से अपना फेस है बिल्कुल ही आप वाइट कर लीजिएगा ओके दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों फिर से पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक एंड यहाँ से सिलेक्टिव फिर से ले लेना एंड अपने टी शर्ट का कलर भी थोड़ा हम तेज हाई करने वाले ओके। यहाँ से कॉन्टेंट ब्राइटनेस या हाईलाइट इस चारों को भी आप हाई कर लेना ओके दोस्तों, कम से कम 50-30 आसपास ओके, ताकि अपनी टी शर्ट कलर चेंज हो जाए ओके। उसके बाद राइट वाला ऑप्शन एंड फिर से आपको पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डिटेल शार्पिंग इसे बढ़ा लीजिएगा एंड सैचुरेशन है इसे भी आप बढ़ा लीजिएगा ओके, ताकि अपनी पिक्चर है वो फुली HD में देखने में आए ओके। उसके बाद व्यू एडिटिंग पर क्लिक एंड फिर डिटेल पर एंड इन्वाइट मत करना दोस्तों, इन्वाइट करने से कोई मतलब नहीं ओके। उसके बाद यहाँ से 100 कर लीजिएगा एंड अपने सनग्लास पर कुछ इस तरह से चला लीजिएगा एंड अपने टी शर्ट के ऊपर भी कुछ इस तरह से चला लीजिएगा ओके दोस्तों। आप देख सकते हो आपकी फोटो बिल्कुल ही HD में हो चुकी है ओके। एंड उसके बाद एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है, बैक चले आएगा। बैक चले आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो आपकी पिक्चर बिल्कुल ही एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट ओके, सो भी फुल HD में ओके। उसके बाद यहाँ से एरो वाले निशान पर क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।